सब्सक्राइब करें देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को दुनिया के सबसे आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट क्लास शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज की एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले हर टाइप्स के सेंटेंसेस बताने वाला हूं। आप समझ लेना, एक ही वीडियो को देखकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस को समझ जाओगे बनाना और चार जाओगे, मीन्स मुट्ठी में होगा आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, पहचान के नियम बनाने के नियम ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है सब पहचान के नियम क्या है और बनाने के नियम क्या है। मैं सारे के सारे सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले, सारे के सारे सेंटेंसेस को मैं एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ ताकि आपको भी सहूलियत हो देखने में, कि एक ही वीडियो से देखकर आप सारे टाइप्स के सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं उसको आप समझ सको। ठीक है फ्रेंड, देखते राम स्कूल जाता है, तो ता है ती है वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए, तो राम गोज टू स्कूल। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और ये सी एस कहाँ लगता है वो भी आपको मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डज राम गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में हम कुछ भी ले लेते हैं कि राम स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज राम गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पहला, फर्स्ट टाइप्स के। अभी इसको आप लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ। अभी दूसरा क्या था, इन्फिनिटिव था, इन्फिनिटिव, जैसे वह मुझसे मिलना चाहता है, तो इसमें दो वर्ब हो गए, इन्फिनिटिव हो गया, चाहता है और मिलना, दो वर्ब हो गया, तो ही वॉन्ट्स जो मेन वर्ब है चाहता, उस वो उसमें हम एस लगाएंगे, ही वॉन्ट्स टू मीट मी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी तरह का हम सेंटेंस लेते हैं, वे लोग जीतने की कोशिश करते हैं, तो दे ट्राई टू विन। ठीक है, मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं सेब खाना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू ईट एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इन्फिनिटिव, अभी इन्फिनिटिव के सेंटेंस है ये। अभी हम इन्फिनिटिव में ही हाउ टू वाला सेंटेंस लेकर देते हैं। ठीक है, तुम अंग्रेजी बोलना सीखते हो, तो यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राजू बाइक चलाना जानता है, तो राजू नोज हाउ टू राइड बाइक।
ठीक है फ्रेंड्स, मिस पहले आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब मैंने ये टॉपिक वीडियो बनाया था, कि जब लास्ट में सीखना 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 रहेगा या जानना रहेगा मेन वर्ब में, तो और उसमें डबल वर्ब में दूसरा वर्ब भी रहेगा, तो उसको हम हाउ टू से बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसी फॉर्मूले से बनाएंगे, डू डज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लेते हैं अफर्मेटिव में ही डू डज वाले सेंटेंस, जैसे वह स्कूल जाता तो है, वह स्कूल जाता तो है, ही डज गो टू स्कूल, मैं चाय पीता तो हूँ, मैं चाय पीता तो हूँ, आई डू टेक टी। मतलब किसी भी सेंटेंस को जब हम जोर दे के बोलते हैं तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और वो जोर दे के बोलने वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें तो आता है, तो उसमें हम डू डज लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेते हैं बिगिन एंड स्टार्ट, एंड स्टार्ट, जैसे वह रोने लगता है तो ही बिगिन्स क्राइंग, या ही बिगिन्स टू क्राई, जब हम टू लगाते हैं तो फिर आई एन जी नहीं लगता, या ही स्टार्ट्स टू क्राई, या ही स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उसको हम इन चारों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे बोलते वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेते हैं डू डज नथिंग, जैसे वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले, मैं गाता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट सिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब भी रहेगा वो खेलता ही रहता है, वे लोग तैरते ही रहते हैं, वो नहाता ही रहता है, वो खाता ही रहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में डू डज नथिंग करके बनाएंगे और फिर बाद में बट लिखकर जो मेन वर्ब रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लेते हैं कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन, ये चीज़ बताया था मैंने आपको, इसलिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था इन सब टॉपिक के लिए। तो वह गाता रहता है, इससे पहले मैंने जो आपको सेंटेंसेस बताया उसमें गाता ही रहता है होगा, तो उसमें डू डज नथिंग बट नथिंग का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें वह गाता रहता है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कीप वाला हो जाएगा, ही कीप्स ऑन, ही कीप्स ऑन सिंगिंग, या ही रिमेन्स सिंगिंग। ठीक है फ्रेंड्स, या ही गोज ऑन सिंगिंग, आप बोलते वक्त ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है, इसका भी इस्तेमाल कभी कभी होता है और ये भी कभी कभी होता है, बट ज़्यादातर बोलचाल में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो आप बस तीनों फॉर्मूला आप याद रखना, बस याद रखना ज़रूरी है, बोलने के लिए तो एक ही यूज़ करना है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का क्लास, और मैंने मुझे लगता है कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले हर तरह के सेंटेंसेस का इसमें डिस्क्रिप्शन दे दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया मैंने कि कौन कौन से सेंटेंस है और किस तरह से बनाए जाते हैं, और
बस मेरी यही कोशिश थी कि एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस जो भी आते हैं उसमें उसके अंतर्गत वो सारे के सारे एक ही वीडियो में बता दूं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। इससे पहले मैंने 5-6 वीडियो बनाया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का, स्पेशल अलग अलग हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाया है, तो आपने वो भी देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये रिविज़न के लिए, मैं सिर्फ रिविज़न के लिए, एक एक्स्ट्रा क्लास की तरह है ये रिविज़न के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। तो हम कुछ और सेंटेंसेस को स्क्रीन पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं, सभी टॉपिक से संबंधित है, एक दो दो सेंटेंसेस देख लेते हैं और फिर अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए। वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचेस मी। वह मुझे नहीं पढ़ाता है, ही डजंट टीच मी। क्या आप मुझे जानते हैं, डू यू नो मी। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वह मुझे तंग करने आती है, शी कम्स टू वैक्स मी। मुझे संगीत सुनना पसंद है, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक। तुम उससे कब मिलना चाहते हो, व्हेन डू यू वांट टू मीट हिम। वह पेड़ पर चढ़ना जानता है, ही नोज हाउ टू क्लाइंब अप ट्री। क्या तुम कार चलाना सीखते हो, डू यू लर्न हाउ टू ड्राइव कार। वह दौड़ने लगता है, ही स्टार्ट्स रनिंग, ही बिगिन्स रनिंग। वह क्यों दौड़ने लगता है, व्हाई डज ही स्टार्ट टू रन, व्हाई डज ही बिगिन टू रन। वे लोग खेलते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट प्ले। वह मुझे देखता ही रहता है, ही डज नथिंग बट लुक एट मी। वह दूध पीता तो है, ही डज ड्रिंक मिल्क।